तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आज हमारे पास है सीपी प्लस का CP E24A कैमरा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो ये सीपी प्लस का ये वाला कैमरा है या फिर सीपी प्लस का आपका कोई सा भी कैमरा है, आप उसमें जो है आपका जो स्मार्टफोन है आप जो है एक ही स्मार्टफोन में जो है किस तरह से इस कैमरे को देख सकते हैं। मतलब दोस्तों मेरा मतलब ये है कि आप इसी जो है आपका एक स्मार्टफोन है इसी से आप इस कैमरे को हॉटस्पॉट दे रहे हैं और इसी से जो है आप इस स्मार्टफोन की वीडियोस देख रहे हैं जो इसमें रिकॉर्ड हो रही है, वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो कई लोगों को ये पता नहीं है, कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हम कैसे करें। तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं जो चल रहा है, मैं यहाँ पर जो है लाइव देख रहा हूँ जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑब्जर्वर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी फिलहाल में हमारे पास है सीपी प्लस का E24A कैमरा। दोस्तों ये जो ट्रिक है, ये जो आप कनेक्ट करते हैं एक ही स्मार्टफोन में, ये जरूरी नहीं है कि इसी का हो, ये आप किसी भी जो है कैमरे में कर सकते हैं। मतलब सीपी प्लस का कोई अदर कैमरा हुआ, अदर मॉडल हुआ, सीसीटीवी कैमरा, आप उसमें भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर देखिए दो स्मार्टफोन रखे मैंने यहाँ पर, पहले स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे मेरा हॉटस्पॉट यहाँ पर जो है मैंने कैमरे को दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैमरे को हॉटस्पॉट दिया, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसी से मैं हॉटस्पॉट दे रहा हूं और इसमें जो मेरी एप्लीकेशन है इजी कैम प्लस, उसी से देखिए ये कैमरा मैं यहां पर जो कंट्रोल कर रहा हूं और इसे जो है मैं देख रहा हूं, इसका लाइव रिकॉर्ड देख रहा हूं। तो यहां पर जो नेटवर्क थोड़ा यहां पर जो है स्लो चल रहा है मेरा, तो यहां पर देखिए हमारा जो कैमरा यहां पर ऑनलाइन आ चुका है, सीपी प्लस जो यहां पर E24A कैमरा यहां पर आ चुका है, वही कैमरा है हमारा E24A कैमरा मॉडल। और दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, और यही जो कैमरा है दोस्तों इसमें भी मैंने ओपन करके रखा है, मतलब अपना जो दूसरा डिवाइस है यही कैमरा मैंने इसमें भी रिकॉर्ड ओपन करके रखा है अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मैंने दोनों स्मार्टफोन में क्यों ओपन करके रखा है और दोस्तों यहाँ पर जो हम किस तरह से जो है एक ही स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट देकर उसी में इसका जो है कंट्रोल कर सकते हैं या रिकॉर्ड देख सकते हैं, किस तरह से जो है एक ही स्मार्टफोन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है मेरा लाइव चल रहा है, जैसे कि मैंने हाई किया था तो यहाँ पर जो है लाइव चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसने भी जो है इसकी जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूँ, ये जो है नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा यहाँ पर जो है स्लो नेटवर्क है इसलिए जो यहाँ पर देरी लग रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लोड हो जाता है मैंने इसमें पीछे कर दिया अपना पहले वाला स्मार्टफोन में जिससे हमने हॉटस्पॉट दिया है और उसी में हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड देख रहे थे, तो मैंने उससे बैक कर दिया है। अब यहाँ पर जो नेटवर्क देखिए यहाँ पर कम मिल रहा है इसलिए जो थोड़ी देर हो रही है, चलिए यहाँ पर फिर से करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आ जाता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप किस तरह से चला सकते। देखिए यहाँ पर जो है आ चुका है, लाइव आ चुका है, यहाँ पर मैं हाई कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बंद कर रहा हूँ, टू कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैं थ्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है लाइव चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है लाइव कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा स्मार्टफोन है ना उसमें और इसमें मैं दोनों में आपको लाइव बताऊँगा, दोनों में सेम ही चीज़ यहाँ पर चल रही है। मैंने इसमें 1 2 3 एंड किया और दोस्तों इसमें भी देखिए दोनों में हाई करूँगा या फिर कुछ भी करूँगा कैमरे के सामने, यहाँ पर जो है जो भी मैं करूँगा ना तो यहाँ पर जो भी मोशन मैं करूँगा यहाँ पर जो है कैमरे के सामने सीसीटीवी कैमरे के सामने अपने, वो आपको दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर देखिए लाइव दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बट यहाँ पर हमें क्या जानना है कि इसी स्मार्टफोन में जो है जिससे हम हॉटस्पॉट दे रहे हैं उसी स्मार्टफोन में किस तरह से हमें देखना है, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इस सीसीटीवी कैमरे को जो है सीपी प्लस है किसी भी सीसीटीवी कैमरे को ले लीजिए, आप किस तरह से एक ही स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट देंगे, किस तरह से उसी स्मार्टफोन में देखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ, पहले तो आपको एक अदर डिवाइस लेना, जैसे कि मैंने ये अदर डिवाइस लिया उसमें आपको इजी कैम प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, मैंने यहाँ पर जो है डाउनलोड करके रखी है और साथ ही मैं अपने डिवाइस में भी जो है यहाँ पर इजी कैम प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है जैसे कि मैंने करके रखी। अब दोस्तों जो अपने अदर डिवाइस है ना उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने अदर डिवाइस में आपका जो अकाउंट बना लेना है, आपको दोनों डिवाइस के अंदर अकाउंट बना लेना है और आपको याद रहे कि आपकी जो जीमेल आईडी है जिससे आप यहाँ पर जो अकाउंट बनाएंगे वो दोनों ही स्मार्टफोन में अलग अलग जीमेल आईडी से जो यहाँ पर जो है अकाउंट बनाना है, आपको एक ही जीमेल आईडी से नहीं बनाना, अलग अलग से बनाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो इजी कैम प्लस एप्लीकेशन है उसमें अकाउंट बन जाएगा और दोस्तों यहाँ पर जो है अकाउंट बनने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जैसे ही यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
आपका जो प्लस का आइकन रहता है उस पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपका जो सी बी प्लस कैमरा है आपको यहाँ पर जो कनेक्ट करना है। कनेक्ट अगर करना आपको नहीं आता तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, वो सारी वीडियोस मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी बी प्लस E24 कैमरा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है इस स्मार्टफोन में। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा देखिए किस तरह से आप यहाँ पर जो क्या करेंगे उस स्मार्टफोन में किस तरह से जो है आपका जो रिकॉर्ड है वो लाइव देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक ही स्मार्टफोन से आप जिस स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट देखते हैं ना देते ना तो उसका हॉटस्पॉट जो है उसी में वापस नहीं आएगा। तो हमें ये करना पड़ेगा जिस स्मार्टफोन से आप यहाँ पर जो कहें एक ही स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट देंगे उसी में देखना चाहेंगे तो उसका हॉटस्पॉट आपको यहाँ पर जो खोल लेना है, और आपका जो सी बी प्लस का कैमरा है ना यहाँ पर दूसरे अदर स्मार्टफोन में उसको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, आपके पहले मोबाइल से दूसरे स्मार्टफोन में जो है वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। अब उसको कनेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो देखिए हमने इसमें वाईफाई कनेक्ट करके रखा है ना, तो यहाँ पर जो है पहले वाले स्मार्टफोन का इसमें करके रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इस एप्लीकेशन के थ्रू हमारा वाईफाई उससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो कैमरे से कनेक्ट हो जाएगा। साफ सीधी बात ये है हमारे कैमरे से वो वाला स्मार्टफोन का जो हॉटस्पॉट है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक फिर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक शेयर डिवाइस का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको शेयर डिवाइस का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर विथ यहाँ पर जो डिवाइस इजी कैम प्लस, मतलब यहाँ पर जो है आप इजी कैम प्लस के यहाँ पर जो डिवाइस शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको करना है। अब इस डिवाइस को जो कैमरा आपका इसमें ओपन है वो आपको शेयर करना है आपका जो पहला स्मार्टफोन है जिससे आप हॉटस्पॉट है आपने यहाँ पर जो सीपी से आपके जो सीसीटीवी कैमरा उससे कनेक्ट करके रखा है उस डिवाइस में आपको शेयर करना है। शेयर कैसे करेंगे ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो रीजन सेलेक्ट करना है आपकी कंट्री कौन सी है, इंडिया है या फिर कौन सी है, आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं टाइप करता हूँ इंडिया, तो यहाँ पर जो इंडिया नहीं आ रहा क्योंकि हमारा नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, तो यहाँ पर जो मैं बैक जाता हूँ दोस्तों यहाँ पर जैसे इंडिया आता है तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस बताऊंगा। देखिए इंडिया आ चुका है, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है आपका जो पहला जिससे आप हॉटस्पॉट दे रहा है आप उसमें जो इजी कैम प्लस में आपने जो जिससे लॉगिन किया है मतलब जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो जीमेल आईडी आपको यहां पर टाइप करनी है। देखिए अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहां पर अकाउंट का मतलब वही आपकी जीमेल आईडी यहां पर टाइप करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अकाउंट के टाइप सेक्शन में आप यहाँ पर जैसे ही जो आपकी जीमेल आईडी टाइप कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा जो आपको यहाँ पर जो इजी कैम प्लस में एक और बार बोल रहा हूँ इजी कैम प्लस में आपने जो यहाँ पर अकाउंट बनाया है जिस डिवाइस से आप हॉटस्पॉट दिया है आपने अपने कैमरे को वो जीमेल आईडी आपको इसमें जो यहाँ पर इजी कैम प्लस की जीमेल आईडी इसमें आपको टाइप करनी है। आप जैसे इसमें टाइप करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जीमेल आईडी टाइप करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे अब आपके कैमरा क्या है इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है डिवाइस शेयर विथ मी, मतलब ये जो डिवाइस है मेरे साथ शेयर हो रहा है, तो इस स्मार्टफोन में ये जो डिवाइस है ये जो कैमरा है यहाँ पर शेयर हो चुका है। अब जैसे ये कैमरा शेयर हो जाएगा आप इसका जो है कंट्रोल कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, प्लेबैक सीन देख सकते हैं, जो भी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं इजी कैम प्लस में जिससे आप हॉटस्पॉट दे रहा है इसी से। देखिए मैं हॉटस्पॉट भी दे रहा हूँ और इसी से मैं यहाँ पर जो देख सकता हूँ। अब जो ये हमने अकाउंट बनाया था जिससे सी पी प्लस कैमरा कनेक्ट किया था उसका कुछ काम नहीं है, उसमें से आप आपकी इजी कैम प्लस एप्लीकेशन है डिलीट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूँ कि आपका जो अकाउंट है वो आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आप अकाउंट डिलीट कर देंगे तो इसमें से भी आपका अकाउंट चले जाएगा, अकाउंट डिलीट नहीं करना है। आप एप्लीकेशन को जो है उसमें से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी आप इस स्मार्टफोन में जिससे हॉटस्पॉट दे रहे हैं उससे आप आपके कैमरे को कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं तो ये जो मुझे पिछला सीन भी दिखा रहा है, जैसा कि मैंने यहां पर जो कितनी कितनी चीज़ करी है, यहां पर जो है मेरा रूम का यहां पर जो दिखा रहा है सारी चीज़ें यहां पर दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है जिस डिवाइस से आपका हॉटस्पॉट दे रहा है उसमें आपकी जो सी पी प्लस की रिकॉर्डिंग है कंट्रोल है वो आप एक ही डिवाइस में कर सकते हैं। कई सारे दोस्तों कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से एक ही डिवाइस से हॉटस्पॉट देकर उसमें ही हमारे कैमरे को कंट्रोल करें, तो ये जो है कई सारे लोगों को नहीं पता था, तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे हर दोस्त के पास जो है ना एक ही जो है मोबाइल रहता है। इसलिए दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये भी बताएं कि आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं था।